दोस्तों, एक से डेढ़ घंटा मैंने आग का कोयला का नीचे इसको दबा के रखा था, पूरा लाल लाल होके ये पक रहा था। तो देखिए, वेट तो बहुत है और इसमें मैंने क्या क्या किया है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें दो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनिए नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला मैंने किया था आपका तांबा का, जो तांबा का प्लेट में जो गंधक मार के जो निकला था उसका जो फॉर्मूला किया था, और बाद में जाके उसका नेक्स्ट फॉर्मूला में उसको फिर आग दिया था जिसमें कच्चा रह गया था। ये वही माल इसमें भी दिया हुआ है जो कच्चा रह गया था। फिर मैंने उसमें सफ़ेद वाला संख्या 10 ग्राम संख्या मिला के उसको खरल करके किया था। तो वो और एक इसमें है जो मैंने संग्रह शक का फॉर्मूला किया था पहले वाला वीडियो में, बहुत पुराना वीडियो है वो, संग्रह शक वाला काला जो मटेरियल निकाला था। फिर उसको मैंने पानी से धुलाई करते करते उसका पारा को जो अलग किया था वो है। ये दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को मैंने क्या किया इसमें एक साथ खरल कर दिया। एक साथ खरल करके मैंने क्या किया, इसमें आपका नीला तोता सफ़ेद भस्म का जो तेल बनाया था ये वो है, इसका भी वीडियो दिया हुआ है। नीला तोता सफ़ेद भस्म जो आपका मीठा सोडा का साथ में किया था ये वो है। तो यहाँ से लेके मैंने इसका साथ में खरल करके इसका ये गोला बना के फिर ये धागा से बांध के इसको आग दिया था वो है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा मेरे बात को नहीं सुनेगा तो आपको क्या माल है क्या नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी इसको तोड़ के देखूँगा कि कुछ हासिल हुआ ना बेकार का हो गया, देखूँगा। क्योंकि वेट तो पूरा है, पारा तो उड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब पारा है और तमा का जो पापड़ी दिया था वो तो पापड़ी ज़्यादा नहीं था, 10 ग्राम ही था। आप लोग नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और मैं इसका ये वीडियो का अंत में इंड स्क्रीन में अंत में वीडियो का अंत में क्या क्या फॉर्मूला का था उसका भी वीडियो दे दूंगा, और आई बटन में भी मैं वीडियो दे दूंगा, आप लोग वो सबको देख लीजिए, नहीं देखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसका तोड़ के देखते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ देख लेता हूँ। वेट तो पूरा है, आवाज़ सुनिए। ये पूरा पत्थर जैसा हो गया और लोहा जैसा आवाज़ दे रहा है। अभी तोड़ के देखता हूँ पारा का क्या हालत है, क्योंकि बहुत हीट में पकाया, लाल तक करके किया है तो पारा तो कुछ हुआ होगा, देखता हूँ तोड़ के। दोस्तों, ये तो बहुत सुंदर हुआ, ये देखिए पूरा पारा का चमक भी है, सब कुछ है, पूरा अच्छा हुआ है। अभी इसको पिघला के देखने से मालूम हो जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसा तो बहुत सुंदर हुआ है, पारा थोड़ा भी उड़ा नहीं है। ऐसे बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहना है, क्या पता कब कामयाबी हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना है।
मैं कुछ ना कुछ आइडिया लगाते रहता हूँ, ऐसे काम करके मैं छोड़ नहीं देता हूँ इसको, फिर अलग अलग कोशिश मैं करते रहता हूँ। भुरभुरा टाइप का है, पूरा ठोस हुआ नहीं है, भुरभुरा है, हाथ से टूटता है। ये देखिए टूटता है, ये बाहर वाला टाइट हुआ है, ये अंदर वाला नहीं हुआ। देखिए तामा का चमक, तामा बोलता है, पारा का चमक देखिए, ये इस तरफ अच्छा से पक गया, ये लोहा जैसा हो गया इस तरफ पक के, लेकिन ये अंदर बीच वाला ये पका नहीं है, बीच वाला ये देखिए भुरभुरा टाइप का है, ये भुरभुरा टाइप का है। अभी इसको देखूंगा थोड़ा पिघला के, अगर पिघला के अगर कुछ हासिल होता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको फिर खरल करके ये सफ़ेद वाला गंधक, ये गंधक का साथ में खरल कर दूंगा। ये सफ़ेद वाला गंधक जो बनाया था इसका साथ में खरल करके ये अभी जैसा मैंने आग दिया इसी तरीका का आग दे दूंगा। इसमें मैं ये तरीका का आग में आपका आग भी अच्छा आता है और आपका ये गोबर, ये जो ओपले, ओपले भी आजकल मिलता उलता नहीं है, तो ये कोयला वाला सिस्टम ही ठीक है। धागा लपेटना है और कोयला में दबा देना है, बढ़िया होता है। ये देखिए मैंने यही सिस्टम से किया, इसका कपर मिट्टी सपर मिट्टी करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए मैंने कपर मिट्टी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही इसको गोला बना दिया, गोला बना के धागा से लपेट दिया, लपेट के डायरेक्ट इसको कोयला में दबा दिया। तो देखिए ऐसे ये टाइप का निकला है, क्योंकि आजकल सामग्री भी मिलता नहीं है, इसलिए जितना शॉर्टकट काम हो जाता है तो उसी को करना है, इसलिए मैं ज़्यादातर शॉर्टकट ही ढूंढते रहता हूँ क्या शॉर्टकट से क्या होता है। तो मैं देखता हूँ इसको थोड़ा पिघला के देखूँगा, अगर पिघला का अगर कुछ हाथ में लगता है तब तो ठीक है। इसमें संख्या भी दिया हुआ है, ये संख्या अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये पूरा पक गया, तो इसको थोड़ा टेस्ट करके देख लूँगा, अगर हासिल होता है तो हो गया, अगर हासिल नहीं होता है तो इसको मैं फिर ये सफ़ेद वाला गंधक का साथ में इसको खरल करके इसको दोबारा ऐसे ही कोयला में दे दूंगा, फिर उसका भी वीडियो दूंगा, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, सब वीडियो लाइन बाय लाइन देते रहूंगा मैं। ये देखिए दोस्तों मैं थोड़ा पिघला के भी देख लेता हूँ, मैं सोच रहा था इसके लिए फिर अलग वीडियो बनाऊँगा, नहीं अभी सोच रहा हूँ कि अलग वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसी वीडियो में थोड़ा पिघला के भी दिखा दूँगा, ये मैंने थोड़ा अलग किया है। ये थोड़ा सा जो ये रेड कलर का जो हुआ है, ये साइड साइड में जो हुआ है, बीच वाला तो थोड़ा भुरभुरा है, ये साइड वाला तो लोहा जैसा हुआ है, पूरा टाइट है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने अलग किया, इसी को मैं पिघला लेता हूँ, लेकिन पिघलाने का वीडियो नहीं दूंगा मैं, पिघला के ला के फिर दिखा दूँगा कि कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, तो मैं कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पिघलाया तो ये कोठाली टूट गया, तो मैंने थोड़ा तोड़ तोड़ के अलग कर लिया, देखिए ये जो है ये है, इसमें मैंने थोड़ा रगड़ा भी है, ये देखिए ये
ये फोटक है, मैं इसका फोटक दूर नहीं किया और ये रंगीन नहीं है, ये सफ़ेद सफ़ेद रंग का हुआ है। मैं सोचा था रंगीन होगा, रंगीन नहीं हुआ है, सफ़ेद है। तो मैं इसको फिर नटिंग में भी थोड़ा एक दाना लेकर टेस्ट कर लूँगा, करने के बाद देखूँगा नटिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो ये सफ़ेद गंदा का साथ में खरल करके फिर इसमें आपका ये रस कपूर भी ऐड करके फिर इसी तरीके का आग दे दूँगा, देखे भी देखूँगा कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए पिघलाया है तो आराम से पिघलाए, पिघलने में तो कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, पिघलता है, बढ़िया से पिघलता है, लेकिन फोटक है। ये देखिए कुटाली में लगा हुआ है ये। और ये अंदर में देखिए, इस साइड मैंने रख रहा था, ये देखिए रंगीन नहीं है, ये सफ़ेद है। ये देखिए सफ़ेद पूरा सफ़ेद है, ये रंगीन नहीं है। अगर ये नाइटिक पास नहीं होता है, नाइटिक डाल के अगर नाइटिक पास नहीं होता है तो भी ये चांदी में चला जाएगा, क्योंकि पारा है, चांदी में चला जाएगा। और इसमें तामा भी है, तो तामा को मैं सफ़ेद संख्या के साथ में खरल करके दिया था, तो ये तामा भी सफ़ेद हो गया होगा, क्योंकि इसमें तामा का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जितना मैंने पिघलाया था इसमें। तो इसमें तामा भी सफ़ेद हो गया, तो ये चांदी तो बन गया, तो चांदी बना के आप मार्केट कर सकता है। अगर नाइटिक पास होता है तो ये कुछ रंग का करना होगा, रंग तो आ जाएगा इसमें वो देने से, रस कपूर देने से रंग आएगा। मैं करता हूँ एक एक वीडियो कर करके दिखाऊंगा।